स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, क्या होगा टप्पू सेना का प्लान, जानते हैं मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के एपिसोड में आप लोग देख चुके हैं कि किस तरह से हाथी भाई ने अपनी स्टोरी बताई और किस तरह से हाथी भाई और कोमल भाभी ने जो सबसे पहले आरती की, उसके बाद सबके घरों में खुशियों का माहौल था और टप्पू सेना को टेंशन थी कि हम क्या आगे का प्लान करें, और अब तक भी जिसके बारे में कोई हिंट नहीं मिली है। तो मेरी प्रेडिक्शंस के हिसाब से, जो एपिसोड से मैंने देखा है, जो समझा है, वो ये है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है 90% तक हो सकता है कि यही बात हो। तो दोस्तों, टप्पू सेना प्लान करेगी इस बार जो नेचर से संबंधित हाथी भाई ने बात बताई थी कि हम नेचर के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं और नेचर फिर हमारे साथ क्या हमको वापस दे रहा है, हम नेचर का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इस थीम पर हो सकता है टप्पू सेना इस बार का गणेश उत्सव मनाए कि कैसे पर्यावरण को बचाना है, कैसे नेचर को बचाना है और कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इस नेचर का ऐसे जैसा है देख सके और लाभ उठा सके। अगर हम गलत करेंगे तो नेचर हमारे साथ गलत करेगा, हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हमारा भी बचने का कोई चांस नहीं है। तो मेरे ख्याल से, मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से इसी थीम पर होगा इस बार का गणेश उत्सव। हो सकता है इससे कुछ डिफरेंट व्यू आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि जस्ट प्रेडिक्शंस है, कोई शो के बारे में मुझे कोई कहीं से जानकारी नहीं मिलती। तो दोस्तों, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, आपकी जो है दुआएं हमारे साथ बनी रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, नमस्कार।